जी की बात की थी कुमारी शैलजा करिए हमारे मैनिफेस्टो में, ये है ही नहीं था। ये चीजें मैनिफेस्टो में डाली जाती है, मैनिफेस्टो में डाली जाती है दलित के लिए क्या प्लॉट लेंगे, क्या करेंगे, ये काम राजनीतिक है। और 19 में मैंने भी उस समय भी हमने कह दिया था, आज भी ये कह रहा हूँ, कांग्रेस सरकार बनेगी तो चार उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। कौन कौन से समाज के सर? एक ब्राह्मण समाज का बनेगा, एक बैकवर्ड समाज का बनेगा, जो जरूरी बनेगा वैसे तो मिनिस्टर तो बनेंगे, मैं उप मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, एक दलित समाज का बनेगा, एक किसी भी समाज का बनेगा। वो कई बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण समाज वालों को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे, उप मुख्यमंत्री वो तो लोग घुमरा देंगे तो फिर उल्टा हो जाएगा, वो तो दूसरे हिस्सा हो जाएगा, कोई बात नहीं, उप मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री कोई अंतर नहीं बनाया तो था रामविलास जी को बीजेपी ने बनाया था ना, कहाँ गए वो रामविलास जी कहाँ गए बीजेपी वाले? क्या क्या रहने के वाला राजनीति में अगर बात करें क्या रहेगा राजनीति में आने वाले दिनों में? 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लोग मन बना चुके हैं, लोकसभा चुनाव में हर वर्ग लोकसभा में भी हम अच्छी सीटें आएंगी, आज हमारी एक भी सीट नहीं है, हमारी 6-7-8 सीट भी है। जी आपके भाई भी हैं राजनीति में भी हैं बीरेंद्र सिंह, वो कहते हैं कि अगर गठबंधन नहीं टूटा तो मैं छोड़ दूंगा, वो कांग्रेस में दोबारा आते हैं तो आपके पास ऐसा है? मैं अगर मगर का कभी जवाब नहीं देता हूँ। बीरेंद्र सिंह जी के बारे में क्या आपने कहा ना, अगर अगर वो कहते हैं अगर मगर का जवाब नहीं देता बीरेंद्र, अगर आते हैं बीजेपी में फिर अगर कह दिया, फिर अगर कह दिया, फिर अगर कह दिया अगर का जवाब बीरेंद्र सिंह जी के बारे में बता दो वो कैसे क्या जवाब है अगर जो स्वयं जैसा होता है ना दूसरे के बारे में कहते हैं। 5 साल तक विपक्षी नेता रहे, राष्ट्रपति के इलेक्शन में किसकी वोट दी हुई, राज्यसभा में किसकी वोट दी हुई, अब के भी राज्यसभा किसकी वोट दी, ये तो रिकॉर्ड की बात है, किसी के बारे में मेरे कहने की जरूरत नहीं है। लोग कब तक संगठन की लिस्ट कब तक आ जाएगी? ये जनता है सब जानते हैं। आप अपने आप को मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार मानते हैं? प्रबल दावेदार आप भी बन सकते हो दावेदार? नहीं बन जाए नहीं, आप बताएं सर, आप अपना बताएं सर, है सर आप तो हर आदमी हर आदमी दावेदार है, जो भी जाए बाकी फैसला विधायक और हाईकमांड कर देगी। आप तीसरी बार भी बनना चाहते हैं? तो सारी उम्र फोटोग्राफर रहेगा? नहीं सर, मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो कलाकार भी टीवी में भी आता हूँ, मैं तो एक्टर भी हूँ, मैं भी राजनीति करता हूँ। आप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे तीसरी बार? जो पार्टी फैसला कर रही है सब मंजूर होगा। चुनाव हो रहे हैं उसको कैसे देखते हैं, कुछ जिम्मेदारी लगी आपकी राजस्थान या मध्य प्रदेश में? कुछ जिम्मेदारी है राजस्थान में? संगठन की लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी? जल्दी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, कोई बात जल्दी हो जाएगी। मुख्यमंत्री का बयान आया कल ही हुड्डा बंटवारे की राजनीति करते, कौन मुख्यमंत्री के बारे में कहा है कि बंटवारे की राजनीति करते हैं? हम तो प्यार बांटते हैं, बंटवारा करते हैं प्यार का। सर आपके ही कार्यकर्ता नेता बोलते हैं, करनाल के अंदर भी बोला गया कि बाप बेटे की नहीं चलने देंगे, क्या बात किसी आपके ही नेता बोलते हैं करनाल में भी खूब नारेबाजी करते हैं कि बाप बेटे की नहीं चलने देंगे? अच्छा क्या कहें प्रभारी के सामने क्या करें, क्या करें सर? आपका जवाब क्या? ये प्रजातंत्र है, जो जो मर्जी कहे। लोकसभा समारोह कितने हो चुके हैं आपके यहाँ? मिलन समारोह चल रहे हैं, कितने हो चुके हैं आपके? अब बाकी वही जारी करेंगे, चलो जाएंगे बड़े बड़े जगह जाएंगे। सर इस बार भी आप सोनीपत से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? मैं हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब नहीं देता सर, आप हर बार ऐसा कह देते हैं। हर बार ही कहता हूँ जवाब तो दो सर, खबर तभी बनेगी ना सर। खबर बहुत है तेरे पास, तुम अपनी मर्जी से खबरें बनाते रहो। नहीं नहीं सर आपके बयान पे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष निर्भी निरंतर।